हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आकांक्षा और आज मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ यम्मी यम्मी वड़ा पाव की, जो कि आप मुंबई पे आसानी से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हैदराबाद में मुझे इतने आसानी से नहीं मिलता। तो वी गो अहेड एंड प्रिपेयर इट एट होम। सो इसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है आलू, जो कि आप देख रहे हैं मैंने उसको उबाल के छील के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और ये वीडियो मैंने थोड़ा सा अलग बनाया है, तो मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। एंड हाँ गाइज, मैं बताना भूल गई कि इसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो नॉर्मली हर एक के घर में जो है होते ही हैं, तो मैंने इसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट नहीं बनाई है, तो मैंने जस्ट नॉर्मल रेसिपी डाली है। होप यू ऑल लाइक इट। तेल रखा है तड़के के लिए, हम जो पोटैटो है उसमें तड़का लगाएंगे, तो इसमें डालेंगे हम तेल और तेल में राई। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये पेस्ट बनाई है, जो कि है ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन की पेस्ट है, जो इस तरीके से मैंने बना के रखी है मिक्सी में, जो हम अब इस तड़के में डालेंगे। तो हमारा तेल गरम हो रहा है एंड अब इसमें हमने अब हमारी राई जो है तड़क चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे हिंग। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। इसमें हम डालेंगे हल्दी एंड इसमें हम डालेंगे ये पेस्ट। पेस्ट डालने से पहले हम इसमें डालेंगे करी लीव्स और चॉप्ड कोरिएंडर, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये पेस्ट जो कि बहुत अच्छी ग्रीन कलर से बनी हुई है। ये कोर्स पेस्ट बनानी है आपको, इसमें आपको पानी मिक्स नहीं करना है। अब हम इसको अच्छे से गैस थोड़ा सा ऑन करके मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा तड़का। अब हम ये डालेंगे अपने पोटैटो पे। तो चलिए डालते हैं पोटैटो पे। गैस मैंने ऑफ कर दी है। अब हम डालेंगे ये तड़का। अब हम इसमें डालेंगे नमक। टाट ले लेना पोटैटो में। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और अभी थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे हाथ से आराम से जो है मिक्स कर लेंगे। अभी हमने उसका वड़ा का कवर बनाने के लिए हमने लिया है बेसन। अब इसमें हम डालेंगे हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर एंड नमक, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका अच्छे से हम लोग जो है पतला बैटर बना लेंगे। तो बैटर हमने बना लिया है इस कंसिस्टेंसी का। और जो आलू की सब्जी हमने बनाई थी उसके हमने इस तरीके से जो है गोले बना लिए हैं छोटे छोटे, जो कि अब हम इसमें बेसन के बैटर में डिप करेंगे एंड देन फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर तेल रखा है गरम करने के लिए, तो मेरा तेल बहुत अच्छे से अब गरम हो चुका है। लेट अस सी वंस अगेन, यस इट्स पाइपिंग हॉट। तो अब जो है हम एक आलू का गोला लेंगे, इसको जो इस तरीके से बेसन में हम राउंड एंड राउंड डालेंगे एंड देन पुट इट इन द ऑयल। इस तरीके से हमें सब जो वड़ा है वो तल लेना है। इसको आप धीमी आंच पे तलेंगे ताकि बेसन कच्चा ना रहे, वरना बेसन जो है बाहर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से जो है कच्चा रह जाएगा, तो इसीलिए हमें ध्यान से इसे मीडियम स्लो मीडियम हीट पे फ्राई करना है।
चटनी बनाई है इसको कोकोनट, इसमें कोकोनट है, लहसुन है, लाल मिर्च का पाउडर है, कश्मीरी चिली मोस्टली जिसका पाउडर है इसमें, एंड नमक डाल के मैंने इसको मिक्सर में पीसा है। इसको आपको ड्राई कोकोनट के साथ बनाना है और ये चटनी नॉर्मली सर्व की जाती है वड़ा पाव के साथ, तो ये मैंने बनाई है ये वाली चटनी।